क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। न्यूजीलैंड के पिच पर लगातार भारतीय बल्लेबाज फ्लॉप हो रहे हैं। वनडे सीरीज हो या फिर अब टेस्ट, भारतीय बल्लेबाजों के फ्लॉप होने का सिलसिला बरकरार है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए पहले टेस्ट के पहले दिन भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह फ्लॉप रहे। कप्तान विराट कोहली हो या फिर चेतेश्वर पुजारा, पृथ्वी शो हो या हनुमा विहारी, सभी ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के सामने सरेंडर कर दिया। मगर इसकी असली वजह न्यूजीलैंड के गेंदबाज नहीं बल्कि न्यूजीलैंड की बेसिन पिच है, जो कि भारतीय बल्लेबाजों के लिए पहेली बन गई है। भारतीय सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल ने इस पहेली बनी बेसिन रिजर्व की पिच के बारे में खुलकर बताया। वेलिंगटन टेस्ट के पहले दिन खेल के बाद उन्होंने मीडिया से बात की और बेसिन रिजर्व की पेचीदा पिच के बारे में बताया। मयंक ने कहा, बेसिन रिजर्व पिच बेहद पेचीदा होती है, इन पर खेलना काफी कठिन होता है। मयंक ने बताया कि यहाँ पर हवा की रफ्तार बहुत तेज है, मैदान पर सामंजस्य बिठाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। बतौर बल्लेबाज ये बेहद मुश्किल काम है, खासकर टेस्ट के पहले दिन। अग्रवाल ने कहा, विकेट में नमी होने के कारण बेहद मुश्किल हो रही है। बल्लेबाजों को उछाल का सामना करने के लिए अथक प्रयास करने पड़ रहे थे, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं थे। मयंक ने कहा, कीवी टीम के खिलाड़ियों को इन बेसिन रिजर्व पिचों की आदत है, इसलिए उनके लिए आक्रामक होना आसान है, मगर हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं। आपको बता दें, भारत ने बारिश के चलते बाधित हुए मैच के पहले दिन 122 रनों पर 5 विकेट गवा दिए। वहीं अपना पहला टेस्ट खेल रहे न्यूजीलैंड के काइल जेमिसन ने 3 विकेट झटक कर सभी को हैरान कर दिया। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।